कुछ भी कर लीजिएगा, टूटेगा फूटेगा नहीं। ये देखिएगा, ये टूटने वाला आइटम यहाँ पे दोस्तों, इसको सही कितना भी पटक लो, इसका कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। ये देखिए, हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक सुमो हरियाणा। आई होप कि आप खुश होंगे, अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि देखा आपने, हमने बनाई है दीपावली लाइट। तो दोस्तों, किस टाइप से हम दीपावली लाइट बनाते हैं और हम बेचते हैं दोस्तों, 4 साल से रेगुलर। और दोस्तों, यकीन मानिए, ये वाली लाइट आप जब बनाओगे तो आपके ना 5-6 साल कहीं नहीं जाने वाली। और चाइनीज आइटम भी नहीं है, आपका खुद का बना सकते हैं या बना के आप सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हो मैंने आपके सामने वायर ली है, जिसकी लेंथ है दोस्तों 1 फीट है। और यहाँ पर ये टुकड़े कर लिए हैं मैंने इसको। और उसके बाद मैंने दोस्तों एक सीधी वायर ले ली है जो 50 फीट की है दोस्तों। और इसके ऊपर हमने वायर को इस टाइप से लपेट लेना है। तो दोस्तों, वीडियो ज़बरदस्त होने वाला है, पूरा वीडियो देखना, एक एक चीज़ आपको समझ में आएगी और अपने घर में आप बना सकते हो। तो दोस्तों, इस टाइप से आपको इसके ऊपर पूरा रोटेट कर लेना है। ये देखिए, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, इसको आप, जैसे कि पता आपको दीपावली आ रही है, दुर्गा पूजा आ रही है और बाकी त्योहारों पर भी, आगे शादियों का सीज़न भी आ रहा है, तो इस टाइप से आप अपनी जो झालर है, लाइट है, तो ये इस टाइप की अपने घर में ही आप बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप से आपको यहाँ पर ज्वाइंट कर लेना है और ये ऊपर की तरफ मोड़ के आगे से फिर शुरू आपको कर देना है। तो इस टाइप से दोस्तों, आपको जितनी 50 फुट की वायर है, सभी के ऊपर से आपको ये वायर ऐसे लपेट लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार मैं लपेट लेता हूँ, फिर आपको मैं दिखाता हूँ। तो फ्रेंड, देख सकते हो मैंने क्यों पूरी को इसको कर दिया है। तो दोस्तों, ये 50 फुट की है, आप अपने ज़रूरत के हिसाब से, आपको 20 फुट 25 फुट जितनी भी चाहिए उस हिसाब से आप बना सकते हो। बाकी ये ऐसा है कि मान लो एक जो फ्रंट होता है 20 फुट का आगे का, तो उसको अगर आप इस टाइप से लगाते हो तो वो पूरा एरिया कवर कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अभी आगे का आपको समझाता हूँ। यहाँ पे फ्रेंड्स, मेरे पास ये LED है, तो एक रेड ब्लू है और एक रेड ग्रीन है, और सभी की जो लेग्स थी मैंने काट ली है। तो फ्रेंड्स, जो हमारा LED होता है उसके अंदर ये 2 लेग होती है, आपको दिखा दूँ, एक बड़ी होती है एक छोटी है। तो बड़ी वाली पॉजिटिव होती है, छोटी इसकी होती है नेगेटिव। अगर ये वाला आप मान लो ये लेग काट देते हो, फिर आपको कन्फ्यूज़न होगा कि कैसे क्या होता है। तो दोस्तों, LED को अगर आप इस टाइप से पकड़ोगे तो इसका ये गोल वाला सर्कल है, एक साइड में इसको प्लेन काटा गया है। ठीक है, तो उससे भी आप समझते हो। तीसरा दोस्तों, इसका अंदर का जो मैकेनिज्म होता है उससे भी आप इसको समझ सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हमें दोस्तों, जितने भी LED लेनी है सभी को हम सीरीज में लगाएंगे। तो दोस्तों, जिसको मालूम है ठीक है, नहीं मालूम है मैं थोड़ा उनको एक बार ड्राइंग के माध्यम से समझा देता हूँ। तो दोस्तों, वीडियो पूरी देखना, अगर आप पूरी नहीं देखते हो और आप इसको बनाने लगते हो तो दोस्तों, यकीन मानिए आपसे कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाएगी जिसके बाद आप का ये जो लाइट है ये ख़राब हो जाएगा। तो दोस्तों, इधर आप देख सकते हो, ये हमारे LED हैं, इसके ये पॉजिटिव टांग है। ठीक है, तो दोस्तों, इसका जो ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ जोड़ना है, उसको हम सीरीज बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे ये हमारा एक वायर निकल गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये इसका नेगेटिव पॉजिटिव के साथ यहाँ कनेक्ट हो गया, यहाँ फिर इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से हो गया, ऐसे करके दोस्तों ये वाला जो लास्ट का निकलता है ये हमारा माइनस का हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सीरीज है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। अभी आगे का जो प्रोग्राम है वो आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, उसके बाद में आपको ग्लू स्टिक लेनी है।
तो मैं आपको वैसे ही दिखा रहा हूँ, मेरे पास ये येलो है, बाकी वाइट कलर की है मेरे पास, वो भी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों इस ग्लू स्टिक में से आपको एक एक इंच के पीस काट लेने हैं और इसके अंदर से दोस्तों 6-7 पीस आपके बन जाएंगे, ठीक है। तो आप इसका अब वो कर लेना कि कितने पीस आपको कितने फिट में लगाने हैं, तो उसी हिसाब का आपका ये बन के रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों जो ये वाइट वाली ग्लू स्टिक थी मैंने काट ली है और उसके अंदर मैंने ड्रिल से होल निकाल दिया है। तो दोस्तों इसका फ़ायदा ये रहेगा कि इसके अंदर आप जैसे बल्ब डालोगे, ऊपर से आपको ग्लू डाल देना है, तो पूरा ये सील्ड हो जाएगा, तो ये वाटरप्रूफ हो जाएगी और पूरा रबड़ का है तो आपका ये ख़राब नहीं होगा। तो ये पीस मैंने पहले से काट लिए थे क्योंकि इसमें थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगती है और सभी में होल कर लिया था। तो अगर आप 50 फुट की बनाते हो तो आप उसको 55 पीस बना लेना ऐसे, क्योंकि दोस्तों जब हम इसको वायर को एक दूसरे के ऊपर बैंड करते हैं तो उसकी लेंथ छोटी हो जाती है, इसलिए आपको थोड़ा फालतू काटने पड़ेंगे 4-5 पीस। और ये काटने के बाद दोस्तों जो हमारी ये वाली वायर है इसके ऊपर आपको ये जो हमारे LED बल्ब है ये लगा लेने हैं। तो मैं बता देता हूँ, ये हमारा जो वाइट वाला है दोस्तों ये हमारा नेगेटिव रहेगा और ये पॉजिटिव रहेगा, तो मैं आपको एक बार लगा के दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स आपको ये बल्ब इस टाइप से पकड़ लेना है, अगर आपको थोड़ा प्रैक्टिस नहीं है, थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप इसको किसी भी चीज़ में लगा सकते हो, अटका सकते हो यानी। और यहाँ पर ये मैंने नेगेटिव कनेक्शन कर दिया और ये हमारा जो है पॉजिटिव कनेक्शन हो गया है, ठीक है फ्रेंड्स। या फिर आप इस टाइप की एक चिमटी आपको मार्केट में मिल जाएगी, तो उस टाइप को इसको किसी भी चीज़ में फिक्स करके इस टाइप से इसको अटका के भी सोल्डिंग कर सकते हो। तो यहाँ पर 4 साल की प्रैक्टिस है तो मैंने दोस्तों कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने एक बल्ब लगा दिया है, अभी दूसरा जो बल्ब है वो लगाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों हमने रेड ब्लू हमारा लगा लिया था, अभी रेड ग्रीन हमको लगाना है। तो इस टाइप से देखिए इसका नेगेटिव पॉजिटिव कनेक्शन यहाँ हो गया है। तो दोस्तों ये देखिए मैंने 2 बल्ब लगाए हैं, इसी टाइप से सभी आपको सीरीज के अंदर लगा लेने हैं, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों आपको जो सोल्डिंग है अच्छी यूज़ करनी है, जो भारती वगैरह का आता है वो। तो इस टाइप से दोस्तों जो पूरे में मैं LED बल्ब एक बार लगा लेता हूँ फिर दिखाता हूँ। तो फ्रेंड देख सकते हो इस पे पूरे पे मैंने दोनों साइड LED जो है लगा दी है। तो अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है, तो वीडियो के साथ बने रहे दोस्तों। अगर आप छोटी लाइट बनाना चाहते हो, झालर वगैरह बनाना चाहते हो जिसमें आप 25-30 बल्ब लगाना चाहते हो, तो ये छोटा वाला जो सर्किट है ये लगेगा, ठीक है। ये 5 सर्किट है तो ये आसानी से मार्केट में 10 रुपये का मिल जाएगा आपको। अगर आप 50-60 बनाना चाहते हो तो उसके अंदर ये बड़े वाला लगा सकते हो, इसमें बड़ा वाला यूज़ कर सकते हो। तो इसके अंदर आप मैं ये वाला सर्किट लगाऊंगा, तो इससे दोस्तों क्या रहेगा कि जैसे आप 40-60 बल्ब के बीच में लगाते हो तो ये वाला ड्राइवर लगेगा, नहीं फिर आप जैसे आपको 25 या 30 का बनाना है तो ये वाला ड्राइवर लगेगा। तो दोस्तों इसका कनेक्शन बहुत ही इजी है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हो रेड वाला हमारा पॉजिटिव है और वाइट वाला हमारा नेगेटिव है। तो इसके ऊपर यहाँ पे आप देखोगे प्लस का निशान है, यहाँ पे माइनस का है, तो जहाँ पे प्लस का है वहाँ पे हम प्लस का लगा देंगे और जहाँ पर हमारा नेगेटिव है वहाँ पर हम नेगेटिव लगा देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स ये लगा दिया है। अभी जो इनपुट है वो भी लगाएंगे हम, तो वीडियो के साथ बने रहें दोस्तों। अगर ये सर्किट आप घर में बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, लेकिन जो इसमें मटेरियल लगा है अगर वो है तो आप बना सकते हो, नहीं फिर आप मान लो मार्केट से भी ला सकते हो। तो ये मैं मार्केट से लेके आया था क्योंकि मैं मान लो ये बना के सेल करता हूँ 4-5 साल से, तो तब करके इतना टाइम नहीं रहता कि मैं ये मान लो बना लूँ।
तो यहाँ पे हमारा जो ये कनेक्शन था ये हो गया है। ये हमारा जो देखिए फ्रेंड्स, ये वाला हमारा जो है ये हमारा एसी इनपुट हो गया और ये हो गया आउटपुट के लिए। तो इसको दोस्तों सर्किट को पैक करने के लिए इस टाइप का एक डिब्बी आता है, ठीक है, ये वाला डिब्बी आता है, तो इसमें आप इसको रख सकते हो। और फ्रेंड्स इसको रखने से पहले हिल गया, ये देखिए इतना इसके अंदर आपको ग्लू डालना है और ग्लू डाल के ये सर्किट को ऐसे चिपका देना है, ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे चिपका देना है। और ये हमारा अभी थोड़ी देर में सूख जाएगा। तो इसका जो है कोई नट वगैरह कुछ नहीं लगाना आपको, सिर्फ यहाँ से जो वायर दी हुई है इसको इसके अंदर से ऐसे निकाल लेना है। तो ये बॉक्स पूरा हमारा पैक हो गया है। तो दोस्तों इतना काम हमारा हो गया है। अभी दोस्तों हमको करना क्या है, जो हमारा ये कटिंग वाला है इसको हम इसके अंदर मान लो डाल देंगे पूरा और ये आसानी से इसके अंदर चला जाएगा। तो दोस्तों मान लो काफ़ी संख्या है तो मैंने है ना इसका भी एक जुगाड़ बना रखा, दिखाता हूँ। तो फ्रेंड देखिए ये इस टाइप का डंडा है और मैंने इसके अंदर होल कर रखे हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि जो भी ये कटिंग वाली है हमारी ग्लू स्टिक उसको इसके अंदर इस टाइप से डाल देता हूँ। ये देखिए इसके अंदर 7 होल हैं तो एक बारी में ये 7 लग जाती है इसके अंदर। यहाँ पर ये आप देख सकते हो लग गई है। अभी फ्रेंड्स इसको हम खोल के और इसके अंदर लगा लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना है, नहीं फिर अगर कोई भी आप चूक करोगे तो आपका मान लो ये जो झालर पूरा मेहनत आपका ख़राब हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे हमने मान लो पूरा तो ये काम कर लिया, अभी हम दोस्तों इसको जला के देखेंगे और जला के बीच में हमें दोस्तों ये भी पता लग जाएगा कि इसके अंदर कोई जो हमारा मान लो बल्ब है ख़राब तो नहीं है, या फिर कोई अगर उल्टा बल्ब है, जैसे कई बार क्या होता है गलती से नेगेटिव पॉजिटिव उल्टा हो जाता है तो वो जलता नहीं है। आपका बल्ब ख़राब नहीं होता लेकिन जलता नहीं है वो, तो उस सिचुएशन में आपको पता चल जाएगा। तो अभी देखिए जल रहा है तो यहाँ से हम इसको ऑफ कर देंगे और इसके अंदर आपको अच्छे से ग्लू भर देना है। तो ग्लू भरने से क्या होगा कि आपका जो लाइट है वो दोस्तों मान लो ख़राब नहीं होगा। तो नज़दीक से थोड़ा दिखाना चाहूँगा मैं आपको। तो इसमें दोस्तों आपको ग्लू पूरा इस ग्लू गन को होल के ऊपर रखना है तो थोड़ा प्रेशर से अंदर तक अच्छे से ये ग्लू चला जाएगा। ये देखिए इस टाइप से, तो फ्रेंड्स अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए ये जो ग्लू है बिल्कुल, और भी नज़दीक से दिखा रहा हूँ, ये जो ग्लू है पूरा ऊपर तक भर गया है। इसके अंदर दोस्तों ना तो पानी जाएगा और ना ही हमारी जो वायर के जॉइंट है वो भी अंदर चले गए। और इसमें कम से कम दोस्तों 1 mm 2 mm के करीब ग्लू गन के अंदर वायर चली गई है, जिससे मान लो खिंचाव के दौरान टूटेगी नहीं और ना ही इसमें कोई जंग वगैरह लगेगा। तो अभी मैं एक बार इनको कर लेता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी जो लाइट थी बन के रेडी हो गई है। ये देखिए पूरी के अंदर मैंने ग्लू भर दिया है। अभी इसको चेक करेंगे, ये देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा मान लो शाइनिंग दे रहा है। तो इसमें मैंने एक में रेड ग्रीन और एक में रेड ब्लू का यूज़ किया है। अगर आप चाहो तो RGB लगा सकते हो। तो वो लगाने के बाद दोस्तों उसका जो मिक्सिंग कलर है तो 5-6 कलर दे देता है। तो यहाँ पे दोस्तों ये देखिए बिल्कुल भी कुछ भी कर लीजिएगा, टूटेगा फूटेगा नहीं। ये देखिएगा ये टूटने वाला आइटम ही नहीं है। यहाँ पे दोस्तों इसको सही कितना भी पटक लो इसका कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। ये देखिए कुछ भी नहीं बिगड़ रहा है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर आप ये आइटम मेरे से मंगवाना चाहते हो
तो दोस्तों अबाउट में आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, अबाउट में इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप ऑर्डर कर सकते हो। डिलीवरी चार्ज आपको देना पड़ेगा और जितना भी आपको चाहिए 5-10 तो आप मंगवा सकते हो। तो मिलते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो कितना क्वांटिटी में मैंने इधर बनाया है, ये सारा चंडीगढ़ के लिए जाएगा दोस्तों। अभी और भी हम बनाने में लगे हैं और ये मान लो फिलहाल चंडीगढ़ में जाएगा। तो अगर आपको मंगाना है तो आप ऑर्डर कर सकते हो। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।